बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू डे लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 8 डाटा एनालिसिस एक्सेल के टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सप्लेन की शीट में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटा एनालिसिस होता क्या है, उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखें, जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर जो उनका करंट बिजनेस होता है उसको सस्टेन करने के लिए मार्केट में से डाटा लेते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हैं, अपनी सेल्स की ट्रेंड्स को देखते हैं और फ्यूचर की जो फॉरकास्टिंग होती है उसको करते हैं। और इस सारे काम को करने के लिए वो जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होता है एज अ सर्वे, उस पर वो डाटा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है उनकी अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में और कौन सी प्रोडक्ट जो है उनकी मार्केट में वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो इस हिसाब से वो डाटा पर कुछ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के लिए एक्सेल में कुछ टूल्स अवेल हैं। आज हम वो सारे के सारे टूल्स जो हैं वो डिटेल के साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टूल हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास टूल है जी, नंबर वन पर है हमारे पास फिल्टर का टूल। फिल्टर का टूल क्या करता है, वो हमारे डाटा में से एक स्पेसिफिक डाटा को शो करवाता है, बाकी तमाम के तमाम डाटा को हाइड कर देता है। देखें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, टॉप वाले हेडर में डाटा में गया, यहाँ पर मैंने फिल्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर फिल्टर के बटन्स आ गए हैं। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करूँ और जस्ट एग्जेक्टिव को सिलेक्ट करके ओके करूँ तो हमें यहाँ पर एग्जेक्टिव नज़र आएंगे। अगर मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैनेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट ओके करता हूँ तो देखें यहाँ पर सिर्फ मैनेजर्स आ रहे हैं। तो इस तरह डाटा फिल्टर का जो टूल होता है हमें जस्ट वो सेल्स शो करवाता है जिसमें हमारी सिलेक्ट किया गया हमारा डाटा हो। तो सेकंड टूल की तरफ चलते हैं। सेकंड टूल देखते हैं कि डाटा एनालिसिस का हमारे पास यहाँ पर कौन सा है। सेकंड टूल है हमारे पास चार्ट्स। चार्ट्स करते क्या हैं, वो हमें शो करवाते हैं विजुअली फॉर्म में जो हमारा डाटा होता है उसको। उससे होता क्या है, देखें अगर हम ये सेल्स देखें तो यहाँ पर डिफरेंट मंथ की सेल्स लिखी हुई है। हमें यहाँ पर अगर डाटा को हम देख रहे हो तो हमें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता, हमें एक एक एंट्री को अलग अलग से चेक करना पड़ता है। लेकिन जैसे हम ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ में हमें वाजिया पता चल रहा है कि जो हमारा मार्च का मंथ है उसमें जो हमारी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसकी एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स। तो चार्ट जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है डाटा एनालिसिस में। अगर बहुत ही आपका लेंथी डाटा है और काफ़ी ज़्यादा सेल्स में आपका डाटा है और आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि उनमें कौन से मंथ में आपकी सेल्स जो है वो अच्छा परफॉर्म किया और कौन से मंथ की सेल्स जो है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई, उसके लिए हम चार्ट्स को यूज़ करते हैं। तो चार्ट को अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक लेक्चर है, यहाँ पर आपको आई कार्ड में भी वो लेक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके चार्ट को डिटेल से सीख सकते हैं कि इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो थर्ड टूल की तरफ चलते हैं। थर्ड टूल है हमारे पास सॉर्ट का। सॉर्ट का टूल क्या करता है देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है, मैं सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें यहाँ पर 98, 86, 90 और 96 लिखा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर हो, सबसे ऊपर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो और सबसे लास्ट में जो है वो लार्जेस्ट नंबर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने माई हेडर को चेक लगा देना है क्योंकि हमारे सेल के हेडर हैं, हेडर नेम और स्कोर है। जो टॉप पर हमारा रो होती है, जिस तरह ये देखिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है और ये नीचे वाले डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये हमारा हेडर है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं स्कोर को सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा, ओके करूँगा तो देखिए सबसे ऊपर जो है हमारे पास वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई है और सबसे लास्ट में हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है। ये था हमारे डाटा एनालिसिस का नंबर थ्री टूल डाटा सॉर्टिंग। नंबर फोर टूल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नंबर फोर पर हमारे पास कौन सा टूल अवेल है। नंबर फोर पर है जी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक स्पेसिफिक रेंज में आपका जो डाटा होता है आप उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके देख सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिए मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जो लेस देन डिजिट्स हों किससे हों 78 से वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, मैं ओके करता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पर कोई भी नंबर हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करूँ, मैं यहाँ पर 76 करता हूँ, यहाँ पर 25 करता हूँ तो होगा क्या, जिन सेल्स में हमारे पास लेस देन 70, यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाई थी। मैं मैनेज रोल में जाता हूँ, ये रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, मैनेज रोल में जाएंगे तो हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की थी लेस देन 78। तो 78 से जो लेस देन सेल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ किया जाता है, इससे हमें क्विकली जो है पता चल जाता है कि कौन से सेल्स में वैल्यू लो है, कौन से सेल्स में वैल्यू हाई है हमारी जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से। तो नंबर फाइव टूल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नंबर फाइव पर हमारे पास कौन सा टूल है। तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट की, उसको हम लेट करते हैं। तो नंबर फाइव पर है जी हमारे पास पिवट टेबल। मैं इंसर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास टूल है पिवट टेबल।
तो इस पिवट टेबल को यूज़ करके आपके पास अगर बहुत ही लेंथी डाटा हो और पूरी वर्कशीट पे वो डाटा हो और आप चाहते हैं कि उसमें से एक स्पेसिफिक डाटा को आप निकाल कर उस पर एनालिसिस कर सकें, तो उसके लिए हम पिवट टूल को यूज़ करते हैं। पिवट टूल का आपको लेक्चर जो है वो आई कार्ड में मिल जाएगा। आई कार्ड पर क्लिक करें पिवट टूल का, वहाँ पर आपके पास लेक्चर होगा, उसको आप डिटेल से देख सकते हैं कि पिवट टूल का हम किस तरह यूज़ करते हैं। नंबर सिक्स टूल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नंबर सिक्स पर हमारे पास कौन सा टूल है। नंबर सिक्स पर है हमारे पास टेबल। तो टेबल का टूल क्या करता है, मैं ये सारा डाटा सेलेक्ट करता हूँ, इसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पर, और मैं इस सारी रेंज को सिलेक्ट करके इसको फॉर्मेट एज टेबल कर देता हूँ। कोई भी एक फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करवा दें, मैंने ये रेंज सिलेक्ट की और ओके किया, तो यहाँ पर टेबल। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए फ़ायदा ये होता है कि जब कभी भी हम कोई एंट्री करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं और नीचे कोई न्यू एंट्री ऐड करवाते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारा जो ये जो टेबल है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है। टेबल को भी यूज़ किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास फिल्टर के बटन भी अवेल होते हैं और ये जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल्स में जो है वो एक्सटेंड होता है। तो नंबर सेवन टूल की तरफ चलते हैं और देखते हैं नंबर सेवन पर हमारे पास कौन सा टूल है। नंबर सेवन पर है जी हमारे पास क्विक एनालिसिस टूल। तो क्विक एनालिसिस टूल क्या है, क्विक एनालिसिस टूल जो है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए मैंने ये सारी रेंज सेलेक्ट की डाटा की, तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा आप देखिए यहाँ पर आइकन है, तो मैं इस आइकन पर अपने कर्सर को लेके जाऊँ तो हमारे पास सामने लिखा हुआ आ जाएगा क्विक एनालिसिस। मैं क्विक एनालिसिस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के एनालिसिस आ रहे हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा सकते हैं, चार्ट ऐड करवा सकते हैं, टोटल, टेबल, स्पार्क लाइंस, डिफरेंट तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके पास यहाँ पर अवेल है। आप क्विकली जो है यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं इन टूल्स को यूज़ करते हुए। तो नंबर सेवन पर हमारे पास था क्विक एनालिसिस, वो भी हमने देख लिया। नंबर एट पर चलते हैं और देखते हैं नंबर एट पर हमारे पास कौन सा टूल अवेल है। नंबर एट पर है जी हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का आपको टूल कहाँ पर मिलेगा, आपने जाना है डाटा में, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ये देखें डिफरेंट टूल्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है डाटा एनालिसिस के लिए। तो अभी तक हमने जो एट के एट टूल्स डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे टूल यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए। डाटा पर हम एनालिसिस करते हैं इन टूल्स की मदद से और फ्यूचर की जो है वो फॉरकास्टिंग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन एट टूल्स की पता चल गया होगा कि कौन से ऐसे एट टूल्स हैं जिनको हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो जिन टूल्स को हमने इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस हमने जस्ट उसका ओवरव्यू लिया है और यूज़ करके नहीं देखा, उनके लेक्चर आपको आई कार्ड में मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ पर क्लिक करके आप उन टूल्स को यूज़ करना सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद एक्सेल की वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।